जो सुकून मिलता है वह कितों खरीदया नहीं जा सकता। करोड़ा रुपये ला लीए ता भी वह अपने अंदरला गौरव अपने अंदरला जिहड़ा एक माण है वह खरीदया नहीं जा सकता कि मैं एक चंगे पासे कदम पुटिया सी। मैनू सारी जिंदगी इस गल का अपने आप से सुकून रहेगा। माण भी वड्डा लफज है, मैनू सुकून रहेगा कि मैं अपनियां एफर्ट्स कीतियां सी समय के मुताबिक। जे समय ने जिम्मेवारी लाई या मौका दिता तो मैं अपने वालों कुछ करने की कोशिश की। सो तुसी सारे एक बड़ी अजीब गल हुंदी कि एक बंदा एक्टर है थोड़े साल पहला सिर्फ अजे एक्टिंग करता सी फिल्मां च आउंदा सी टैलीविजन ते स्टेज ते तुहानूं हसाउंदा सी अज उहनूं तुसी एक लीडर दे नज़रिए नाल देखदे हो। बड़ा तुहाडे लई भी डिफिकल्ट है मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हुंदा। इट इज रियली अ डिफिकल्ट थिंग फॉर बोथ साइड्स क्योंकि ये साडी पॉलिटिक्स दे विच एक रीत रही है कि बंदा जिन्हें एक थलड़े लैवल तो वर्कर लैवल तो शुरू करके फिर मोटरसाइकलों के झंडिया ला ला के लीडर के मगर फिरया होवे नारे धरने मुजहरे किए हो और जदों थाने कचहरियों के चमदियाँ चलाइया हो फिर ग्रैजुअली उपर आता हों फिर लोग लीडर मनना शुरू करते हैं। पर भाजी हुण एक सहज सुभा बड़ी वधिया गल कर रहे सी हुणे एक्टिंग एक्टिंग की हुंदी है एक्ट करना ये एक लफ्ज़ आता लीड करना किसी चीज़ में और असी जो करोड़ों रुपए दी फिल्मां बनदी हैं बड़ी बारी मौका मिलिया कि मैं फिल्म के भी लीड रोल किए हैं और एक करोड़ों रुपए की फिल्म नू लीड करना भी अपने आप जब तक एक एक्टर को लीडरशिप नहीं है नहीं लीड कर सकता। और जिंदगी दे विच असी सिनेमे के जरिए भी सिर्फ लीड करते हैं समाज में। जिहड़ी फिल्म चंगी हुंदी है जिहड़ा सिनेमा चंगा हुंदा है जिहड़ी फिल्म दे विच कुछ हुंदा है तुसी एप्रीशिएट करते हो कि हाँ ये फिल्म ने समाज नू लीड किया। जिहड़ी माड़ी हुंदी है तुसी उहनू डिस्कार्ड कर देने बड़ी बकवास फिल्म सी वाहियात फिल्म सी क्यों बनाई किन्ने बनाई आ की कीता इन्हें। तुसी किते जोड़ के देखो पॉलिटिक्स भी उहदे नाल जुड़ी हुई चीज़ है बट इहदे च फर्क की है कि फिल्म तुहाडा नुकसान नहीं करती। एक थोड़े जे टिकट के पैसे का नुकसान करती थोड़े वक्त का नुकसान करती है दो घंटे का पर जिंदगी बहुत ज़्यादा नुकसान तुहाडा नहीं करती। पॉलिटिक्स फिल्म नालों इत्थे आ के डिफरेंट हो जाती है। अगर लीडरशिप अच्छी नहीं है पॉलिटिक्स दे विच गंदी सोच दे नाल काम हो रहा है निजी स्वार्थों के लिए काम हो रहा है परिवारवाद के नाल काम हो रहा है अपनी प्रोजेक्शन लिए अपनी तरक्की लिए अपनी प्रमोशन लिए काम हो रहा है फिर समाज लिए इस तो ज़्यादा खतरनाक गल कोई नहीं होंगी। समाज में इस तो ज़्यादा खतरनाक घुण कोई नहीं लग सकता जे तुहाडा अपना लीडर क्योंकि बाबा जी ने बड़े साल पहला सानू एक गल कही सी कि उल्टी वाड़ खेत कौ खाए जिन्हों असी वाड़ समझते हैं जे उही खेत नू खा रही है इस तो ज़्यादा नुकसान साडा कोई नहीं हो सकता। सो आम आदमी पार्टी कोई पोलीटिकल पार्टी नहीं बिल्कुल मैं पोलीटिकल पार्टी नहीं समझता पर तुहानू क्योंकि लोकतंत्र दे विच जदों तुसी हिस्सा लेना है इस तरह तो तुहानू पोलीटिकली विचरना पैंदा पोलीटिकल पार्टी बना के ही विचर सकते हो तुसी। तुहानू अगर लैजिस्लेटिव असैंबली च जाके बैठना है या पार्लीमेंट दे विच बैठना है तो लोकतंत्र दे इस रस्ते चो लंघ के जाना पैंदा। सो पोलीटिकल पार्टी बनाउणी मजबूरी बन गई अरविंद केजरीवाल दी पर फिर जिहड़े चेहरे जिहड़े लोक उहदे नाल जुड़े उन्होंने हिंदुस्तान च एक इनकलाब लिआंदा। इस तो छोटी उम्र की पार्टी हिंदुस्तान च कोई नहीं अजे चार साल पहला पार्टी खड़ी हुई होवे तो अजे हिंदुस्तान दीआं पंज स्टेटां जिहड़ियां ने सरकारां नूं अपने हत्थों जांदियां नज़र आ रहीआं। एक तां गई दिल्ली दो वारी गई हुण पंजाब जांदा नज़र आ रहा इस तों बाद गोवा जांदा नज़र आ रहा गुजरात जांदा नज़र आ रहा उत्तराखंड जाएगा केरला जाएगा। चार साल इन्ना कुछ हो गया कि पार्टियों को वक्त पै गए ने कि ये एक सुथरा सच्चा राह लभ के बंदे किधर नूं तुर पे क्योंकि ये लोग पॉलिटिशियन नहीं सी ये लोग समाज का हिस्सा सन समाज लिए काम करते करते अक गए तप गए जदों एक इन्हों का अंत हो गया बर्दाश्त का फिर एक पार्टी की शेप के सामने आ गए। एंड यू ऑल आर पार्ट ऑफ दिस कोई मैं कल्ला नहीं हाँ अरविंद केजरीवाल नहीं जिन्हें तुसी इत्थे बैठे हो सारे अरविंद केजरीवाल हो। उहदा काम करन दा तरीका थोड़ा तुहाडे नालों ज़्यादा एक्टिव हो सकता है क्योंकि हुण एक्टिवली पॉलिटिक्स विच ने पर तुहाडी सोच उहदे वाली है वरना तुसी NRI लोक भी जदों इंडिया जांदे सी तुहानूं भी हुंदा सी कि चलो जिहड़े बंदे मौजूदा हकूमत च हैगे ने इहनां नाल बणा के रखीए कोई लोकल MLA नूं मिल रिहा लोकल अफसरां नूं मिल रिहा भी उत्थे बाहर बैठियां भी कदे कोई काम पैंदा फोन कर दईए ते साडा काम हो जांदा। अज तुसी नित्र के सामने क्यों आ गए क्यों अपने चेहरे दिखाते लोगों को कि असी तुहाडे खिलाफ हाँ तुहानू डर कितना लथ गए कि असी इंडिया जावांगे सानू कोई परेशान ना करे। तुसी अपने डर ला के सामने आ गए कि नहीं जदों गल जमीन की है
ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਟੇਕ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੀ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਯੇ ਵੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਬਟਨ ਆ, ਉਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਪਨਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੀ ਸਰ।